हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। बड़ा ही इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है आज का, और वो है कोड। जी हाँ दोस्तों, कोड में कन्वर्ट करना, ये फॉर्मूला आज हम सीखने वाले हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कुछ कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं, लाइक एस यू आर ए जे, ये मेरा नाम ही है। तो यहाँ पर अब हम वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि इसका कोड क्या है। तो कोड पता करने के लिए हमें गूगल शीट में एक फॉर्मूला मिल जाता है, एक्सेल में भी मिलता है कोड। तो यहाँ पे कोड फॉर्मूला आप लगा दीजिए और पहला कैरेक्टर एस सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे ही पहला कैरेक्टर एस सेलेक्ट करते हैं तो यहां पर आपको 115 दिखाई पड़ रहा है। ऊपर ब्रैकेट को क्लोज कीजिए, एंटर प्रेस कर दीजिए, सजेस्टेड ऑटोफिल आपको नजर आ जाएगा। नीचे बस स्टिक वाले बटन पे कर देना है क्लिक। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसका कोड आ चुका है, आप देख सकते हैं। अब अगर बात करें कि इस कोड को वापिस से कन्वर्ट कर दीजिए कैरेक्टर में, तो ये कैसे पॉसिबल होगा, और एक कंबाइंड कैरेक्टर बना करके दिखाइए। तो ये तो बहुत आसान है। तो यहां पर आप कैर फॉर्मूला यूज कर लीजिए इस तरीके से, और यहां पर इस पर क्लिक कर दीजिए, यानी कि ये D2 पर क्लिक करिए। D2 का सेल एड्रेस आ गया, मतलब कि 115 जहां लिखा हुआ है उसका सेल एड्रेस D2 आ गया है। एंटर प्रेस कर दीजिए, ये आ गया। अब इसके बाद आपको ड्रैग कर देना है सिंपली इस तरीके से। तो यहां पर देख सकते हैं सेम वही चीज आ गई है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये कंबाइन होकर आए। तो कंबाइन होकर आने के लिए हमें क्या करना है, कंबाइन होकर आने के लिए हमें लिखना है कैर इस तरीके से, आप देख सकते हैं। अब ये फॉर्मूला लगाया हमने और 115 को सेलेक्ट कर लिया। अब आपको दिखाई पड़ रहा है ऊपर एस लिखा हुआ आ रहा है, ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए, एंड लगा लीजिए, ठीक है, क्योंकि फिर कैर यूज करना है, क्योंकि हम कंबाइन देखना चाहते हैं, पूरा नाम देखना चाहते हैं। तो ये आप 117 को सेलेक्ट कीजिए और बस ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए और यहां पर एंड लगा लीजिए, फिर यहां पर कैर आपको लगाना होगा इस तरीके से। अब ये लगा लेने के बाद आपको क्या करना है, 114 को कर लेना है सेलेक्ट और इसको बंद करना है, फिर आपको एंड लगाना है, क्योंकि अभी हमको दो नंबर्स को और देखना है। तो यहां पर आप फिर वापस से कैर फॉर्मूला यूज कीजिए, और कैर फॉर्मूला यूज करने के बाद यहां पर सेलेक्ट करना है 97 को, बिल्कुल। तो ये 97 को सेलेक्ट किया और फिर बंद कर दीजिए ब्रैकेट को और फिर एंड फॉर्मूला लगा लीजिए। लास्ट में आपको यूज करना है कैर। अब ये लास्ट टाइम यूज कर रहा हूं क्योंकि इसके बाद तो कोई नंबर तो है नहीं। तो यहां पर 106 को सेलेक्ट कीजिए और ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए। अब आप चिंता मत कीजिए, ऊपर नाम आपको दिखाई पड़ रहा है, लेकिन अब हम एंटर प्रेस करते हैं तो यहां पर आपको ये पूरा नाम मिल जाएगा। मैं इसे एक अलग कलर में कर देता हूं, आपको देखने में अच्छा लगेगा। तो ये इस तरीके से आप कर सकते हैं, बहुत ही आसान है, आप भी कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।